दोस्तों जय हिंद। लोकसभा चुनाव का केवल एक सातवां चरण बचा है। छह चरण बीत चुके हैं, सातवां चरण 1 जून को है और 4 जून को नतीजे आ जाने हैं कि जनता ने किसको बहुमत दिया, किसको नहीं दिया, किसको नकार दिया, किसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ये जनता तय करेगी। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई देख रहे हैं हम सब लोग, वह भाजपा और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। एनडीए में मुख्य बड़ा दल तो भाजपा ही है, उसके साथ ही जदयू, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे, अजीत पवार, बिहार में नीतीश कुमार, ये एनडीए के मुख्य घटक दल हैं। इंडिया में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसके साथ में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी, और भी कई घटक दल हैं। दोस्तों अगर मुद्दों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के बीत जाने के बाद भी सत्ता पक्ष मुद्दों पर नहीं आ पा रहा है, मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रहा है। जो 10 साल में काम किए हैं वो काम भी नहीं बता रहा है। सत्ता पक्ष की कोशिश हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, खुद प्रधानमंत्री जी ऐसे बयान देते हैं कि विपक्ष इंडिया गठबंधन अगर आ गया तो ये ले लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा, जमीन ले लेगा, भैंस ले लेगा, खेत ले लेगा, ये सब क्या है? आप अपने काम बताइए ना, जनता जानना चाहती है कि आपने 10 साल में किया क्या है। लेकिन विपक्ष ने मुद्दों को भटकाया नहीं है और मुद्दों से भटके भी नहीं है। एक चीज़ आपने देखी होगी, चाहे राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों या विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, मुद्दों की राजनीति पे अड़े हुए हैं और 6 चरणों के बाद भी अभी भी मुद्दों की राजनीति पे अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी या फिर श्री अखिलेश यादव जी किसी भी रैली में जाते हैं तो मेन उनका मुद्दा संविधान बचाने का होता है। वो संविधान बचाने के नाम पर, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। रोजगार का मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा है। इंडिया गठबंधन कह रहा है, मुख्य रूप से राहुल गांधी जी जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनी तो हम 30 लाख जो सरकारी पद खाली हैं उनको हम भरेंगे। सभी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा, जो एक वर्ड बहुत फेमस कर दिया है इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने, खटाखट खटाखट खटाखट, ये वर्ड बहुत फेमस हो गया, खटाखट खटाखट। उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर गरीब महिला के खाते में खटाखट 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 पैसा जाएगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रेजुएट, उसको 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 साल के लिए पक्की नौकरी दी जाएगी और 1 लाख रुपए वार्षिक उसमें दिया जाएगा। और मुफ्त अनाज की बात उन्होंने की कि हम 10 किलो तक मुफ्त अनाज देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार के साधन देंगे, आशा आंगनवाड़ी का मानदेय दुगुना करेंगे, मनरेगा के मजदूरों का मानदेय दुगुना करेंगे, लगभग 400 बोला उन्होंने, 400 कर देंगे। कुल मिला के उन्होंने मुद्दों को नहीं छोड़ा है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भ्रष्टाचार अड़े हुए हैं। राहुल गांधी तो विशेषकर अंबानी अडानी को किसी भी रैली में छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उम्मीद प्रधानमंत्री जी से या सत्ता पक्ष से, जिसकी सरकार है, सरकार से ये नहीं थी की थी कि आप 10 साल में वोट मांग रहे हैं तीसरी बार अपनी सरकार चलाने के लिए और आप मुद्दों से दूर भाग रहे हैं। 6 चरण के चुनाव बीत गए हैं तब भी आप मुसलमान कब्रिस्तान और ये सब कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं गिनाते हैं कि आपने 10 साल में क्या किया और आगे आप क्या करेंगे, किस लिए जनता आपको वोट दे? विपक्ष बता रहा है अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है, काम बता रहा है कि हम क्या करेंगे, अपना प्लानिंग बता रहा है फ्यूचर में कौन सी योजनाएं लाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष वो योजनाएं क्यों नहीं बता पा रहा है? सत्ता पक्ष अपने काम ही क्यों नहीं बता पा रहा है?
सत्ता पक्ष के लोग हिंदू मुस्लिम कराने पर क्यों लगे हुए हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं वहाँ पर कोशिश करते हैं कि ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन इन सब में ध्रुवीकरण में इस बार विपक्ष मजबूती से अपने मुद्दों के साथ खड़ा है, ये एक अच्छी बात है। अब बाकी जनता जनार्दन को तय करना है कि 4 जून में किसको बहुमत देती है और देश की राजनीति का भविष्य कैसा होता है, किस रास्ते पर जाता है, ये देश की जनता तय करेगी कि उसको किस तरह की राजनीति चाहिए, देश का भविष्य कहाँ ले जाना है, ये जनता तय करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।